तो किसी ने मुझसे पूछा था, भाई आपके 10th क्लास में कितने नंबर्स थे? तो मैं 10th क्लास पास किया था 2010 में, और ज़्यादा नंबर्स तो मेरे नहीं थे, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न से पास था। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। क्लास में पढ़ाई करना, हर क्वेश्चन को याद करना, क्लास में पूछने पर हर क्वेश्चन का जवाब देना, ट्यूशन में हर क्वेश्चन को पूछने पर उसका जवाब देना, ये अलग बात है। ट्यूशन में आपको हर टीचर समझते हैं कि आप बहुत ही ब्रिलियंट हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज हैं, आप टॉप कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में उसका आंसर दे करके टॉप करना अलग बात हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह से आंसर देंगे तो आपको ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे, और इसका आप ट्राई कर सकते हैं। अभी अगर आपके एग्ज़ाम होने वाले होंगे उसमें आप इस तरह से आंसर दे करके ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ट्यूशन में टेस्ट होता होगा आपके ट्यूशन में, तो वहाँ पर इस तरह से आप आंसर दे करके ट्राई कर सकते हैं, आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। अगर आप टीचर हैं तो अपने बच्चों को भी बताइए कि इसी तरह से आंसर दें। अगर आपके फैमिली में कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है, 12th क्लास का स्टूडेंट है, बीटेक है या फिर डिप्लोमा है, ITI है, उसको भी आप इसी तरह से आंसर देने के लिए बताइए। इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपको किस तरह से आंसर देना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर सब्जेक्ट वाइज समझा जाए तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। अगर आपको हिंदी का आंसर देना हो, हिंदी के क्वेश्चन का आंसर देना हो, तो आप किस तरह से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। देखिए, हिंदी में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कौन थे, कहाँ था, है ना, ये नहीं आता है कौन है। तो अगर आप हिंदी का आंसर देते हैं तो आप लोगों ने अगर पहले से हिंदी का आंसर दिया होगा तो आप लोग पूरा स्टोरी लिखते हैं, पूरा कहानी लिखते हैं और पूरा पेज भर लिखते हैं। ये नहीं कि बीच में आपको पॉइंट देते होंगे, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आप शुरू करते हैं, पहले लाइन से शुरू करते हैं और आप तब तक लिखते हैं जब तक आपका पेज नहीं भर जाता है, और ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह से अगर आप आंसर देते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसमें 3 नंबर या 2.5 नंबर ही मिलेंगे, ये सही तरीका नहीं है। तो आपको किस तरह से हिंदी के क्वेश्चन का आंसर देना है, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। चाहे आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हों या बिहार बोर्ड के हों, हरियाणा बोर्ड के हों, UP बोर्ड के हों या किसी भी बोर्ड के हों, ठीक है। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है हिंदी में, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसके बारे में आप आंसर दीजिए 3 लाइन में, 3 या 4 लाइन में आप आंसर दीजिए बहुत ही अच्छे से। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपकी राइटिंग बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं शुद्ध लिखिए, ये नहीं कि उसमें ग्रामर मिस्टेक हो, व्याकरण मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो कुछ भी आपको पता है बिल्कुल शुद्ध लिखिए। ऊपर के 4 लाइन तो आपको बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद 4 लाइन लिखने के बाद हो सके तो आप उसके बाद पॉइंट बनाइए, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे कि आपने 4 लाइन आंसर दिया, इसके बाद पॉइंट नंबर 1 एक हेडिंग दीजिए, ब्लैक कलर से हेडिंग दीजिए, इसके बाद डॉट लगाइए, फिर आप ब्लू कलर से उसके बारे में 1 लाइन लिखिए या 2 लाइन लिखिए, फिर पॉइंट नंबर 2, फिर आप वहां पर ब्लैक कलर से लिखिए, इसके बाद उसके बारे में 1-2 लाइन लिखिए। इसी तरह से आप कम से कम 8 पॉइंट 10 पॉइंट दे सकते हैं, आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा, बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है। जहाँ पर पॉइंट बनता है वहीं पर पॉइंट दीजिएगा, ज़बरदस्ती देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपको लेटर लिखने के लिए आ जाए तो वहाँ पर पॉइंट काम नहीं करेगा, ठीक है। जहाँ पर आपको जिसकी ज़रूरत है उसको आप पूरा कीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक। तो अब हम बात करते हैं मैथ की। अगर आपको मैथ में आंसर देना होगा तो कैसे देंगे, किस तरह से आप मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को 100 में 100 मिलते हैं, बहुत सारे बच्चों को 100 में 30 नंबर मिलते हैं, 100 में 36 नंबर मिलते हैं, 100 में 50 नंबर मिलते हैं, आखिर क्या बात होती है। दोनों उतने ही तेज हैं, क्लास में दोनों उतने ही तेज हैं, पूछने पर हर सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम होता है बोर्ड का तो उसमें एक को आता है 100 में से 100 आ जाता है, एक को 80 ही आता है,
इसके पीछे भी तरीका है क्वेश्चन का आंसर देने की। किस तरह से उन्होंने आंसर दिया है ये बहुत मायने रखता है। देखिए, अगर आप मैथ के क्वेश्चन का आंसर देते हैं, सबसे पहले तो अगर वहाँ पर कोई फिगर बनता है तो आप उस फिगर को बनाइए। मैथ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका फिगर बनता है, तो आप फिगर बनाइए। सबसे पहले ऊपर ध्यान रखना है कि आपको फिगर कभी भी पेन से नहीं बनाना है, पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। HB पेंसिल ले लीजिए, कोई भी पेंसिल ले लीजिए, आप उससे फिगर बनाइए, ठीक। इसके बाद फिगर का नामकरण कीजिए आप। अब आता है नंबर फार्मूला का। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप वहीं पर फार्मूला नोट कर दीजिए, ऊपर ही फिगर के साइड में आप फार्मूला नोट करके उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो भी फार्मूला लग रहा है आप डायरेक्ट फार्मूला को अप्लाई मत कीजिए, बल्कि साइड में फार्मूला लिखिए और उसको ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। उससे आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की या फिजिक्स की। तो केमिस्ट्री फिजिक्स में जहाँ पर आपको फिगर बनाना है फिगर बनाइए। देखिए, केमिस्ट्री में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में लगभग हर क्वेश्चन में फिगर बनता है। कोशिश रखिए कि अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर फिगर बनाकर दे सकते हैं तो फिगर ज़रूर बनाइएगा। फिगर बनाने के कम एक दो नंबर ज़रूर मिल जाते हैं। अगर आपने अच्छे से फिगर बनाकर समझा दिया है किसी भी क्वेश्चन को तो उसका नंबर बहुत ही अच्छा मिलता है। देखिए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर फिगर बन सकता है, तो आप वहाँ पर फिगर ज़रूर बनाइएगा, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरी बात, फिजिक्स में आप कोशिश कीजिए कि आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग दीजिए और उसके बारे में लिखिए, हेडिंग दीजिए उसके बारे में लिखिए। जैसे मैंने हिंदी में बताया था कि सबसे पहले उसके बारे में आप तीन चार लाइन लिखिए, इसके बाद आप उसको पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए। जितना ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर देंगे आपको उतना ही ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे, ये शॉर्टकट है। इसके बाद आप फार्मूला अगर लिखते हैं तो और अच्छी बात है, फार्मूले पर आपको ज़्यादा नंबर्स मिलते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप हर क्वेश्चन का आंसर पॉइंट टू पॉइंट ही दीजिए, ठीक। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। अगर आप केमिस्ट्री में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो अगर लगता है कि वहाँ पर इक्वेशन बनना चाहिए, अगर कोई इक्वेशन बनता है तो आप वहाँ पर इक्वेशन ज़रूर लिखिए। अगर इक्वेशन नहीं लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कहानी लिख कर चले आते हैं, मैंने देखा है, अपना अगर कुछ भी पूछ दिया केमिस्ट्री में तो पूरा हिंदी में उसका कहानी लिख देंगे, पूरा कहानी लिख देंगे बहुत ही अच्छे से, पूरा पेज भर जाएगा, लेकिन वहाँ पर एक भी फार्मूला नहीं होगा, एक भी फिगर नहीं होगा, तो कितने नंबर मिलेंगे। ढाई नंबर का अगर क्वेश्चन है तो एक नंबर मिलेगा, अगर तीन नंबर का क्वेश्चन है तो डेढ़ नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आपको आंसर नहीं देना है। कोशिश करिए कि आप वहाँ पर जितना ज़्यादा फार्मूला लिख सकते हैं उसका लिखिए, जितना ज़्यादा आप इक्वेशन लिख सकते हैं उसका लिखिए। फिगर बनता है तो ज़बरदस्ती बनाइए, बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके माइंड में लग रहा है कि नहीं ये फिगर बन सकता है तो आप बनाइए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो फिगर बुक में होने चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि वहाँ फिगर बन सकता है तो आप बनाइए। और व्याख्या करने की अगर बात आती है तो आप फिगर को डिस्क्राइब कीजिए, फिगर बनाइए पहले। अगर आपके बुक में कोई फिगर दिया हुआ है तो आप उसको बनाइए और उसके बारे में पूरा अच्छे से लिखिए, किस तरह से काम करता है, बहुत ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा। तो दो काम कीजिए, आप डिराइवेशन अच्छे से याद कीजिए, पढ़िए समझिए उसको, नहीं समझ में आता है याद कर जाइए, किसी भी तरह से आप याद कर लीजिए उसको, छोड़िएगा मत। डिराइवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उसको अच्छे से लिख लिख करके याद कीजिए, ज़्यादा लिखिए ज़्यादा याद होगा। और इसी तरह से आप उसको याद कीजिए, इंग्लिश में भी आप पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपको ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे, डेफिनेटली आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो अगर आपके क्लास में टेस्ट चल रहे होंगे तो टेस्ट में आप इस तरह से एक बार आंसर देकर देखिए। कोचिंग में अगर टेस्ट हो रहा हो तो कोचिंग में आप इस तरह से एक बार आंसर दीजिए, आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो आप इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इस वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।